हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का रिसोर्स यूपीपीएससी के सेकंड पार्ट में। ये हमने करंट अफेयर का पहला टेस्ट पेपर अपलोड किया था और ये आपका बीपीएससी का है। तो एक दो लोगों के कमेंट आए थे, और वैसे भी मैं बता दूं कि अभी मैं ये फिजिकल पेपर इस बार सॉल्व कर रही हूँ। अभी यूपीपीसीएस का 2 से 2.5 महीने बाद पेपर है, यूपीपीसीएस का पीटी है प्लस आरओएआरओ का है। तो अब जो भी मैं टेस्ट पेपर लाऊंगी वो डिजिटल फॉर्म में लाऊंगी और वो मैं आपको डिजिटल में ही शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये जो फिजिकल फॉर्म में है तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और रही बात लेने की ऑनलाइन, तो अभी मेरे पास ऑनलाइन नहीं है, मैं इस बार लाऊंगी तो ऑनलाइन आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ऑफलाइन के लिए मैंने नंबर भेज दिया है, उसमें आप लोग बात कर लो अपने हिसाब से। मुझे उसका रेट या चीज़ें नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ गई थी दिल्ली, तो मैं ले आई थी। तो मुझे ऐसे ऑनलाइन मंगाना, मतलब ये कुरियर से मंगाना नहीं पड़ा, तो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो चलो, हमने 58 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे। मैंने रैंडमली वीडियो वहीं तक शूट किया था, क्योंकि ये इतना शोर हो रहा था तो मैं चीज़ें और बता नहीं पाई कि अब यहीं तक रखते हैं। तो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रश्न में दो कथन है, अर्थात अभिकथन ए और कारण आर है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन ए है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अक्टूबर 2023 को भीम संसद रथों को हरी झंडी दिखाई। कारण कह रहे कि बिहार जाति सर्वेक्षण में पाया गया कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य की कुल आबादी का 63.13% हिस्सा है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ऑप्शन देते हैं और हमें यहाँ पर ऑप्शन को चुन के आंसर बताना होता है। आंसर की बात करें तो ये कह रहे कि ऑप्शन ए सही है, विच मीन्स कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, तथा अभिकथन आर अभि तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि दोनों कथन और कारण दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिया स्किल्स 2023-24 एक कौशल विकास प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के कौशल को बढ़ावा देना और बढ़ाना है। भारत ने विश्व कौशल 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए 11वीं, बी 12वीं, सी 10वां या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर की बात करें, 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो 60 नंबर में ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। इसको देखो, ये सॉरी, ये देखो मिसमैच हो गया, ये यहाँ पर ए नहीं होगा, बी होगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखो थोड़ा सा अगर आगे पीछे मिसमैच हो गया समझने में तो आंसर हो जाता है, ये मेरी गलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व का 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आर्थिक परिस्थिति के 71 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को संबोधित किया गया? ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, बी सुभाष पालेकर, सी बाबूलाल दहिया, एंडी वल्लभ भाई पटेल, वासराम भाई मरवानिया। ये सरदार वल्लभ नहीं लिखा है, वल्लभ भाई पटेल अलग हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया एक तरीके से, उनके बारे में काफ़ी सारे फैक्ट दे दिए और पूछ रहे हैं कि किसके विषय में बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि एम एस स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, ये कृषि वैज्ञानिक, ये तो नॉर्मली सबको पता ही है, लेकिन ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन, ये कुछ ही लोगों को पता होगा जो इस तरीके से डीपली में करंट अफेयर जिन्होंने पढ़ा होगा पूरा पूरा। नॉर्मली तो हर किसी को याद है कि हाँ एम एस स्वामीनाथन जी का निधन हो गया था, ठीक है। और आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी में इसका पेपर क्वेश्चन भी बन के आया था। क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा अलग टाइप से बना के दिया था, वैसा कभी दिया नहीं है किसी की मृत्यु की डेट को मतलब अरेंज किया जा सके इस तरीके से तो नहीं दिया, बट इस बार दिया है तो इसीलिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, एम एस स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब 2024 से पूसा 44 धान किस्म गैर बासमती की एक खेती पर प्रतिबंध लगाएगा। उपरोक्त निर्णय के लिए निम्नलिखित कथनों पर उचित कारण के रूप में विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें, ठीक है। ऑप्शन ए, यह एक लंबी अवधि वाली किस्म है जिसे पकने में लगभग 160 दिन लगते हैं। सेकेंड इनका यह है कि इसमें सिंचाई के लिए 5 से 6 अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता होती है, एंड सी आपका ये है और डी ये है। मतलब ये कुछ कथन दिए गए हैं, तो कह रहे फिलहाल यहाँ पर गलत कथन का चयन करें, ठीक है। वीडियो में आप कथन को पूरा पढ़ लीजिएगा डी नंबर तक, फिर इसके बाद में हम आंसर की बात करते हैं। तो आंसर की बात करें, फिलहाल तो इन्होंने गलत पूछा है, तो गलत है हमारा यहाँ पर डी, प्रति एकड़ लगभग 50 से 60 क्विंटल उपज कह रहे हैं, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर है कि औसतन 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्रदान करती है, एंड और ऑप्शन आपके सही है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों PVTG को आवास अधिकार दिए जाते हैं। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में आवास अधिकार पाने वाली दूसरी PVTG बन गई है, तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां अधिकार पाने वाली पहली जनजाति? ऑप्शन ए आपका कमर,
पौड़ी भुइयां, सी कथोड़ी एंड डी जेनू कुर्बा, ये जनजातियां हैं, इसलिए इनके अलग थोड़ा सा अलग आपको लग सकती है कि इनके नाम कैसे हैं, पर ये जनजातियों के विषय में बात हो रही है। आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहे हैं कि कमर, ठीक है। कुछ चीज़ें डिटेल में और दी गई हैं, मैं आंसर आपको पीडीएफ के फॉर्म में, अब टेलीग्राम भी आपका ओपन हो गया है, वर्क करने लगा है, हालांकि ये नया अकाउंट है क्योंकि जो पुराना है वो रिकवर नहीं हो पाया, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसको हम बाद में रिकवर कर लेंगे, लेकिन मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से सारे आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा और वहाँ से आप सारी पीडीएफ को अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर डिटेल में बताने में थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाता है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64 नंबर की, 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तत्वावधान में आयुष मंत्रालय द्वारा 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ मनाया गया है। स्वच्छता ही सेवा 2023 का विषय है। अब आपके ये चार विषय दिए गए ऑप्शन में, कचरा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, विकसित भारत, ग्रह बनाम प्लास्टिक एंड डी एकजुट हो जाओ, काम करो मिटा दो। देखो ये बीपीएससी चल रही है, अभी 1.5 से 2 महीने बाकी है, सारे लोग प्रीलिम्स फोकस हो जाएगा यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में, और इसके बाद में बीपीएससी का भी प्रीलिम्स फोकस हो जाएंगे, तो आप लोग जुड़े रहना। इस बार मैं क्या करूँगी कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं डिजिटल फॉर्म में रखूँगी पीडीएफ, ये आपके टेस्ट सीरीज़, तो मैं वीडियो बना के ज़्यादा नहीं डालूँगी, 1-2 डाल दूँगी लोगों के लिए, बट ये है कि ज़्यादातर मैं आपके अकाउंट में, जब आप यहाँ से लोगे तो मैं आपके अकाउंट में डायरेक्ट पूरे डाल दूँगी वीडियो, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ना, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जुड़े रहेंगे तो उससे क्या है कि आप अपना बताइए कि आपको किस उसकी इंस्टीट्यूट की चाहिए, जो आपको चाहिए होगा वही ले लेना। और मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करती, ना ही मैं किसी का प्रमोशन करती हूँ, जब प्रमोशन की बात आएगी तो देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी बीपीएससी को भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बीपीएससी और यूपीपीसीएस का एक फ़र्क है कि बीपीएससी का भी फॉर्म नहीं आया, हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा वो इसी महीने में या लास्ट जुलाई में आने के अनुमान है ज़्यादातर लोगों का, ठीक है। तो जैसे ही आ जाता है फिर आपके पास बहुत टाइम नहीं बचेगा, और यूपीपीसीएस का ये है कि हाँ फॉर्म तो पहले का ही है, उसी का एग्ज़ाम होना पोस्टपोन हो गया था, तो इसमें ये दुविधा नहीं है, बस इतना फ़र्क है। लेकिन देखो तैयारी तो दोनों को ही करनी है, ऐसा नहीं कि हम हाथ पैर बंद करके बैठ जाएंगे और वेट करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहो, फिलहाल हम 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कचरा मुक्त भारत, ठीक है। अन्य चीज़ें भी दी गई हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, डिटेल में आप वीडियो में पढ़ लेना। हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर तैयार किया, यह रिटर्निंग अधिकारियों के लिए वोटों को डिजिटल बनाने के लिए एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है, ऊपर बताए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। अब ये देखो ये करंट में रहते हैं ना, ऑप्शन ए एनकोर, बी एनविजन, सी डिकोडी चुनाव एंड डी डिकोडी सहायता। आंसर की बात करें 65 नंबर क्वेश्चन, तो ए कह रहे हैं कि आपका एनकोर है, ठीक है, और नाम ही बताना था है ना, यहाँ पर सही सत्य गलत का कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि यह परियोजना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकार क्षेत्र में है, यह स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM रक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की 3 परतें शामिल होगी, जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग दूरी पर लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ऊपर निम्नलिखित में से किस विकास का उल्लेख किया गया है, अभी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करेंगे तो 66 में भी आपका ए ही हो जाएगा, कुशा है ना, प्रोजेक्ट कुशा, हैप्स, INS तारमुगली, NASAMS और थार्ड। अब ये देखो चारों अगर आप पढ़ोगे इनके डिटेल तो आपको 4-5 क्वेश्चन अलग से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी क्वेश्चन बनेंगे है ना, कि हैप्स क्या है आपका, तार मुगली क्या है, NASAMS क्या है, उसके नीचे थार्ड भी दिया हुआ है, ठीक है। अमेरिकी सेना की एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जो छोटी मध्यम और मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल को उनके अंतिम चरण में मार गिरा सकती है, तो ये चीज़ें भी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि बिहार सरकार ने बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा SCS मांगने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चिन्हित करें। अब ये हमारे यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। SCS को 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1969 में पेश किया गया था। सेकंड कह रहे कि SCS एक वर्गीकरण है जो केंद्र द्वारा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। थर्ड कह रहे हैं 1969 में 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय को विशेष दर्जा दिया गया। अब ये याद रखना, ये बहुत आता है, ठीक है, विशेष दर्जा वाला क्वेश्चन आता ही आता है। ये आपके फिलहाल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें यहाँ पर आंसर टिक करना है। आंसर की बात करें तो कह रहे हैं कि विकल्प आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड आपका यहाँ पर गलत बता रहे हैं। 3 राज्य जम्मू और कश्मीर, असम और नागालैंड को SCS प्रदान किया गया। तो अब यहाँ पर देखो अच्छे से लिख लो, अरुणाचल प्रदेश ने उन्होंने कहा, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, JK हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर है आपका, ठीक है, असम है और नागालैंड, मणिपुर भी नहीं है,
मणिपुर मेघालय नहीं है, इसीलिए गलत है, लेकिन ये फैक्ट भी हैं। तो इनको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ये जो 1-2 मिनट देख के वीडियो स्किप कर सकते हो, ये आपको बहुत नुकसान देंगे आगे चलकर, क्योंकि अभी टाइम है, तभी लग रहा है अरे कोई बात नहीं, आपने स्किप किया 1 मिनट देखा 2 मिनट देखा, तो इससे मिलता कुछ नहीं है। मैं भी पहले कोई वीडियो आया इसको 1 मिनट देख लिया, उसको किसी भी चीज़ को देखो मन लगा के पूरा अच्छे से देखो पढ़ो, नहीं देखना तो मत देखो, है ना, उससे आप ही का नुकसान होगा, बार बार वीडियो स्किप करने से कुछ होगा नहीं। अच्छा एक बात और है, ये मत सोचना कि वीडियो के लिए, मैं वैसे ही आपको वीडियो बहुत शॉर्ट में बना के देती हूँ, ऑप्शन भी नहीं बताती, वीडियो के लिए हो तो मैं पूरे परंपरागत तरीके से ही बनाऊँ। मैं इसलिए बोलती हूँ कि अब ये ऐसी चीज़ें हैं करंट पे कि हम कहाँ तक इनको गूगल करेंगे, कहाँ तक ढूंढेंगे। और मैंने उत्तराखंड का टेस्ट पेपर सॉल्व करवाने के दौरान बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया। एक तो पहले ही ये बात मैं मानती थी कि गूगल में हर चीज़ सही नहीं होती, दूसरी बात अब ये पता चल गया कि गूगल में जब तक चीज़ें अपडेट नहीं होंगी तो आपको आंसर पुराना ही मिलेगा, और वहाँ पर आप ये नहीं क्लैरिफाई कर सकते कि जो गूगल में दिया वो सही दिया या गलत दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट ही नहीं थी। अभी रामसर साइट की बात हो रही थी, 80 हैं 82 हैं, उनमें बहुत कन्फ्यूजन चल रही थी, बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद भी की, बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो नॉलेज के स्तर पर मुझसे बेटर हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हुआ है ना। तो जब कुछ चीज़ें गलत होती हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो उससे आपको अलग चीज़ अलग सीख भी मिलती है। तो यही मैं कह रही हूँ, यहाँ पर क्या चीज़ें कितने ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, कितनी करंट में चीज़ें थी, ये तो पूरा करंट से अपडेटेड है आपका ये वीडियो, बाकी आपकी मर्जी है, मुझे क्या करना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप और भी सारी चीज़ें करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास से परिचालन की दृष्टि से रचनात्मक जुड़ा होता है और हमारे सशस्त्र बलों के कौशल में वृद्धि होती है। मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास के भी क्वेश्चन आए थे, PCS में भी आते हैं और RORO में आपने देखा समीक्षा अधिकारी में, है ना। तो बी ऑप्शन है श्रीलंका। इन्होंने कहा कि अभ्यास वज्र प्रहार या भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच विशेष बलों के काजिंद, अब देखो वहाँ पर PDF में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बोंगो सागर, मित्र शक्ति, है ना, तो आपको कितनी सारी चीज़ें पता चल गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इनका कहना है, क्वेश्चन हमारा है कि अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जो 2023 के लिए अनुकूलन कार्य की योजना वित्त पोषण और कार्यान्वयन में प्रगति को देखती है किसके द्वारा जारी की जाती है। आपके चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी विश्व बैंक, सी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, 69 है, तो ऑप्शन ए कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अन्य डिटेल चीज़ें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन एक वितरित खाता प्रौद्योगिकी है जो बिचौलियों की आवश्यकता के बिना कई पक्षों के बीच लेन देन का सुरक्षित और पारदर्शी रिकॉर्ड रखने में सक्षम बनाती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई ब्लॉकचेन आधारित परियोजना का नाम क्या है। ऑप्शन ए फाल्कन, बी टोटो, सी एमनेस्टी एंड डी लक्सन। आंसर बताना है, 70 क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए कह रहे हैं ब्लॉकचेन में कि फाल्कन। ब्लॉकचेन के प्रबंधन और उपयोग को सरल बनाना और इससे डेवलपर्स को ब्लॉकचेन आधारित भुगतान समाधानों पर नवाचार करने में मदद मिलने की उम्मीद है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बताया। सेकंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी आपके चार ऑप्शन दे दिए हैं, इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास यानी कि सिंपल में समझो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। सेकंड, यह 500 से 800 किलोमीटर लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। एंड डी इस थर्ड, इसकी पिलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। अब उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं, ये चार ऑप्शन दिए गए नॉर्मली जैसे क्वेश्चन में होता है। आंसर की बात करें तो कह रहे फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, विच मीन्स कि बी ऑप्शन सही है, केवल दो, फर्स्ट और थर्ड कह रहे हैं। सेकेंड आपका यहाँ पर गलत बता रहे हैं, सेकेंड गलत क्यों है तो आपको देखना है, ये कह रहे हैं कि डिटेल देख लेना, इसकी पिलोट क्षमता के बारे में बात हो रही है, अन्य चीज़ें हो रही हैं तो वो देख लेना, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमवार को मुंबई में 141वें IOC सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट के प्रवेश को औपचारिक रूप दिया गया है। क्रिकेट आखिरी बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में केवल 2 टीमों के साथ खेला गया था, निम्नलिखित में से वे 2 टीमें कौन सी हैं। अब आपको ऑप्शन दिया, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया, एंटी कनाडा और न्यूजीलैंड। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए कह रहे हैं यहाँ पर कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, यानी कि जो 1900 में खेला गया था उसमें जो 2 टीमें थी वो आपकी ये थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन नैनो फ्लोरेट्स कार्बन परमाणुओं से बनी अनोखी नैनो संरचनाएं हैं। कार्बन नैनो फ्लोरेट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, इसे IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने बनाया। बी, सेकेंड, ये 100% दक्षता के साथ सूर्य की रोशनी को ऊष्मा में परिवर्तित कर सकता है। थर्ड, यह आवृत दृश्य प्रकाश और परावैंगनी सहित अनेक आवृत्तियों पर प्रकाश को अवशोषित कर सकती है। सही विकल्प चुनना है,
ये हमारे विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, ठीक है। आंसर की बात करना है यहाँ पर, तो आंसर की बात करें तो कह रहे केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहे हैं कि और केवल एक कथन सही, यानी कि कार्बन नैनो फ्लोरेस को आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने बनाया और यह 87% दक्षता के साथ सूर्य की रोशनी को ऊष्मा में बदल सकता है, ठीक है। अन्य चीज़ें भी दी गई हैं, उनको पढ़ लेना डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN की स्थापना 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिन्होंने रचनात्मकता को टिकाऊ शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना। तो ऊपर उल्लेखित संदर्भ के आधार पर निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है। अब ये ऑप्शन है कोझिकोड संगीत का शहर, सेकंड ग्वालियर साहित्य की नगरी, बी थर्ड जयपुर शिल्प और लोक कला, एंड फोर्थ वाराणसी संगीत की नगरी, फिफ्थ हैदराबाद पाक कला। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं पाँच। अब हमें बताना कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कितने ऑप्शन सही हैं और क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं पहली बात तो फर्स्ट आपका गलत, संगीत का शहर कोझिकोड नहीं होगा, ग्वालियर हो जाएगा संगीत का शहर, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं कि सही है, यानी कि फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आपका यहाँ पर सही है। आंसर की बात करें देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच है, ग्वालियर संगीत, ठीक है, ये जो वाराणसी यहाँ पर मैच कर दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। वाराणसी संगीत की रचनात्मक शहर है, ठीक है, जिसे ग्वालियर संगीत संगीत कोझिकोड साहित्य में सृजनात्मकता, जयपुर शिल्प और लोक कला, वाराणसी संगीत का रचनात्मक शहर, चेन्नई संगीत की का रचनात्मक शहर, मुंबई फिल्म, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, श्रीनगर शिल्प और लोक कला। तो ये डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, तो आंसर से वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अलग अलग ईयर में अलग अलग उसमें इनको मतलब ये नाम दिए गए हैं या इनको लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आंसर आपका सी सही है, अब पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि कौन सा देश विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और एक्सपो WCC 2023 की मेज़बानी करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, 75 नंबर क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन आपका कह रहे हैं यहाँ पर भारत, ठीक है, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की बात हो रही तो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा मून स्नाइपर किस देश का चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, 76। तो आंसर की बात करें तो कह रहे हैं कि डी आपका, यानी कि जापान, मून स्नाइपर जहाँ भी आएगा तो आपका जापान आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, है ना, और इस तरीके से तो आते ही हैं, आप पढ़ लो। पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA ने इस रैंकिंग में सर्वोच्च पहला स्थान हासिल किया। सेकेंड कह रहे हैं कि इस रैंकिंग में भारत चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व वाला देश है। अब उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है, ठीक है, ये चार कथन दिए गए हैं। आंसर की बात करें 77 नंबर क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन कह रहे हैं कि केवल सेकेंड आपका यहाँ पर सही है। फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का 20वां संस्करण जारी किया गया। अब ये संस्करण कौन सा है, यानी किस नंबर की रैंकिंग है, तो ये आपके 20वें नंबर की, जिसमें 91 भारतीय संस्थानों को स्थान दिया गया है 91। 2024 की रैंकिंग में 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय शामिल हैं। वर्ष 2024 की रैंकिंग 5 क्षेत्रों में 18, मतलब ये तो डिटेल्ड है। आंसर की अगर यहाँ पर बात करेंगे कि दुनिया में अनुसंधान गहन विश्वविद्यालय का व्यापक मूल्यांकन, इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर करेंगे देखो, तो जो सर्वोच्च स्थान है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA और मैसाचुसेट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और MIT USA का स्थान है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कैबिनेट ने सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC का दर्जा देने को मंजूरी दी। ये एक क्वेश्चन तो इसमें आएगा ही, क्योंकि ट्रांसजेंडर सेम सेक्स को कई सारे देशों ने मान्यता दी है और इसी साल दी है, कुछ 2023 में हो सकते हैं मे बी, कि अगर मुझे नहीं आता, अगर मैं भूल रही हूँ तो, वरना 2024 में 2-3 ऐसे देश हैं और आपने अगर करंट में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा देखो कि भूटान ने कुछ किया है और थाईलैंड में कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं इन सब चीज़ों को लेके, है ना, ट्रांसजेंडर हुए, सेम सेक्स हो गया, तो ये इसमें एक आधा क्वेश्चन तो फंसाएगा ही आयो। आंसर की बात करेंगे OBC का दर्जा देने वाली मंजूरी की बात जो हो रही है तो झारखंड हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2023 में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पहली बार महिला एकल का खिताब जीता। ऑप्शन ए इंगा स्वीटेक, बी अन्ना डेनिलिना, सी कोको गॉफ एंड डी जेसिका पेगुला। थोड़ा सा अमेरिकी नाम है तो प्रोनंसिएशन में अलग लग सकते हैं। आंसर की बात करें 79, तो सी ऑप्शन कह रहे हैं आपका कोको गॉफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेता को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए।
अभी है ऑप्शन ए डॉक्टर अश्विनी कुमार रसायन विज्ञान, बी डॉक्टर अक्टू टी बीजू इंजीनियरिंग, सी डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू जीव विज्ञान एंड डी डॉक्टर नीरज कयाल गणित। अब ये ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, इनको मिलान करना है। आंसर की बात करें आपका 80 नंबर क्वेश्चन, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही कह रहे हैं। ए थ्री मीन्स कि डॉक्टर अश्विनी कुमार जीव विज्ञान हो जाएंगे, ठीक है। बी वन डॉक्टर अक्टू टी बीजू, ये सी टू आपका डॉक्टर दीप्ति साहू इंजीनियरिंग एंड डी डॉक्टर नीरज गयाल गणित, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट है कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है। अब ये दो तीन तो आपके हमेशा रहते हैं, फिनलैंड, डेनमार्क है ना, और स्वीडन, इस तरीके के ये जो देश हैं आपके, ये हमेशा बहुत सारी जो रिपोर्ट आती है उनमें फर्स्ट पर ही रहते हैं। तो अच्छे से पढ़ लो। आंसर की बात करें यहाँ पर कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड ये रहते हैं, है ना। चलो पीडीएफ में पढ़ोगे तो और बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और बहुत सारे फैक्ट दिए गए, तो अच्छे से आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंजी स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए यह एक प्रकार की निवेश धोखाधड़ी है जो निवेशकों को कम या बिना जोखिम के उच्च रिटर्न का वादा करती है। सेकेंड, इस प्रकार की योजनाएं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नियामक दायरे में आती हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से गलत है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना कि यहाँ पर गलत पूछा है सही नहीं पूछा, ये ध्यान रखना क्वेश्चन में। आंसर की बात करें तो बी कह रहे हैं कि सेकेंड आपका यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गलत है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन गलत है, तो इसके बारे में अच्छे से दिया गया आंसर में, उसको आप वहाँ से पढ़ लेना। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि विश्व ओजोन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने की याद में मनाया जाता है। सेकंड, विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में वैश्विक सहयोग। अब कह रहे हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है, ये चार कथन दिए गए हैं। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहे हैं केवल फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड आपका पृथ्वी पर जीवन की रक्षा, यानी कि ये इसका जो लोगो है या जो इसका टैगलाइन है, ये थीम है, ये नहीं है। तो इसकी थीम क्या है वो देखते हैं, बिकॉज इसकी थीम ये फिलहाल यहाँ पर गलत दी गई है। इसकी जो थीम है वो कह रहे हैं कि ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ये 2023 की थीम है, तो थीम को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया है। ऑप्शन ए आपका दिया है बिहार, बी असम, सी उत्तर प्रदेश एंड डी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन, तो बी आपका हो जाएगा असम। विश्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ घाट और विश्वनाथ गांव, ये थोड़ा सा देखना, कन्फ्यूज मत होना। उत्तर प्रदेश में क्योंकि विश्वनाथ आपका है ही, तो उसमें आपको इसको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो यहाँ पर ये सारे कथन दिए, वहाँ पर क्या दिया था, घुमाकर क्वेश्चन दिया था, तो क्वेश्चन किस तरीके से भी आ सकते हैं ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। 85 नंबर की बात करें तो ऑप्शन ए केवल यहाँ पर सही है। वे भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने M.S. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और उच्च उपज वाले चावल के बीज विकसित किए, जिससे भारत में हरित क्रांति आई। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर क्यों गलत है, उसको आप PDF से पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। सेकंड, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 पहली बार छत्तीसगढ़ ने जीती थी। तो उपर्युक्त में से कौन सा से कथन गलत है, यहाँ पर गलत बताना। अब ये देखो ये भी आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, आपके PPSC में भी आए हुए हैं, क्योंकि घटनाचक्र में उसका रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया। तो सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पर कहना है कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो यहाँ पर इन्होंने कहा ना कि पहली बार 2023 में छत्तीसगढ़ ने पहली बार जीती थी, तो गलत है आपका। पंजाब ने ट्रॉफी पहली बार जीती थी, है ना, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा सूची का है। सूची फर्स्ट को भारत के प्रमुख राजनिकासी अभियान को सूची सेकंड से कारण से सुमेलित करना है। ऑप्शन ए ऑपरेशन अजय सूडान गृह युद्ध, बी ऑपरेशन कावेरी तुर्की सीरिया भूकंप, सी ऑपरेशन दोस्त रूस यूक्रेन युद्ध, एंड डी ऑपरेशन गंगा इजराइल हमास संघर्ष। सबसे पहले तो ऑपरेशन गंगा से ही आप समझ सकते हो या ऑपरेशन दोस्त से, बहुत ये सब मतलब चर्चा में रहे हैं, तो इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो 2022 रूस और यूक्रेन के बीच तनाव, सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस है तो यही है, रूस यूक्रेन के बीच तनाव। इनकेस आप ये भूल गए कि ऑपरेशन गंगा कहाँ का था, तो अगर आपको ऑपरेशन दोस्त याद हो, तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया तो उसमें ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ये चलाया गया। इसके बाद में अगर ये भी भूल गए तो ऑपरेशन अजय आप उसको अगर ध्यान रख सकते हैं, और ऑपरेशन अजय आपका है जो इजराइल और हमास का चला, तो ये अभी हाल का ही है, है ना। तो इस तरीके से आंसर की बात करेंगे तो आपका मिलान हो गया, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बट इसमें दो तीन ऑप्शन ऐसे हैं
कि आप गेस करके भी वहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2028 में शामिल किया गया है? ये आपका ऑप्शन है क्रिकेट T20, सेकेंड बेसबॉल सॉफ्टबॉल, थर्ड फ्लैग फुटबॉल एंड फोर लैक्रोस। ये क्वेश्चन बनेगा फंसाने के लिए बनेगा, क्योंकि अगर हमें ये नहीं याद कि क्या शामिल किया गया है तो फिर हम वहाँ गेस वर्क अगर करेंगे और मे बी कि गलत हो गया, तो इसलिए डी ऑप्शन कह रहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि ये सभी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुंबई में आयोजित IOC सत्र ने ओलंपिक खेल यानी कि लॉस एंजल्स 2028 की आयोजन समिति द्वारा प्रस्ताव किया है और 5 नए खेलों को जोड़ने का उन्होंने प्रस्ताव दिया है। 5 नए खेल जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। PDF में आप जब पढ़ोगे तो आपको 5वां खेल भी मिल जाएगा कि और एक कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया? ऑप्शन है 101वां, बी 114वां, सी 110वां एंड डी 111वां। आंसर की बात करें यहाँ पर कि हमारे देश को यानी भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है, तो हमारे जो भारत को है वो 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है? ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, बी आर्थिक और सामाजिक परिषद, थर्ड न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अभी आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से कितने ये हैं जो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है यानी उसमें शामिल है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डी कह रहे हैं आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, एंड डिटेल में कुछ चीज़ें और दी गई हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल VWT किस राज्य में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में स्थापित की गई? ऑप्शन उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या डी सिक्किम। तो ये आपकी सी ऑप्शन यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2023 में यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया? ऑप्शन है अदन की खाड़ी, बी फारस की खाड़ी, सी अलास्का की खाड़ी एंड डी गिनी की खाड़ी। आंसर की बात करें 92 नंबर क्वेश्चन तो डी ऑप्शन आपका कह रहे हैं गिनी की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2023 की सूची में शामिल किया गया? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर कोझिकोड, ग्वालियर हैदराबाद, हैदराबाद श्रीनगर एंड डी वाराणसी जयपुर। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर की बात करें तो कह रहे हैं ग्वालियर कोझिकोड, ठीक है। नेक्स्ट है जल के लिए महिलाओं के लिए जल किस मंत्रालय की एक पहल है? ए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय एंड डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 94 नंबर क्वेश्चन है तो आंसर की बात करें यहाँ पर तो ए ऑप्शन दे रहे हैं आपका आवास शहरी मामलों का मंत्रालय। इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में दिया गया और बहुत डिटेल में आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, कहीं इसके नोट्स बना लेना, ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिएटिव सिटीज़ हो गए, संगीत घराने हो गए, लोक नृत्य हो गए, पाक कला हो गए, कई सारी चीज़ों में मतलब श्रेणियों में पुरस्कार मिलता है, तो बहुत फंसाने में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2023 में भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए राजीव गौबा, बी राजीव कुमार, सी एनके सिंह एंड डी हीरालाल समरिया, ठीक है। तो आंसर की अगर यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये जो, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा हीरालाल समरिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गई? ऑप्शन ए कुनेरू हम्पी, बी हरिका द्रोणावल्ली, सी रमेश बाबू वैशाली एंड डी वेलापुला सरयू, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है तो सी ऑप्शन हो जाएगा रमेश बाबू वैशाली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला बल्लेबाज है? ऑप्शन है एंजेलो मैथ्यूस, बी सकीबुल हसन, सी वानिंदू हजरंगा एंड डी विराट कोहली। आंसर की बात करें 97 नंबर तो ए हो जाएगा आपका एंजेलो मैथ्यूस, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल TB रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया। सेकंड, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपचार कवरेज में सुधार हुआ है और यह अनुमानित TB मामलों के 80% तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अब ये 4 कथन दिए गए हैं। आंसर की बात करें तो सी कह रहे हैं फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, हाल ही में रूस इससे बाहर हो गया। सेकंड, इस संधि पर भारत द्वारा अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए। यहाँ पर फिलहाल ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में इन्होंने गलत पूछा है। 99 नंबर क्वेश्चन है तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ठीक है। क्यों? हाल ही में रूस ने स्वयं को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT से बाहर कर लिया। CTBT सैन्य और नागरिक दोनों देशों के लिए सभी परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाता है।
इस संधि पर 1994 में जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में चर्चा की गई थी और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी अपनाया गया था। इस संधि पर भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए थे, यानी दोनों सही हैं। अब इन्होंने पूछा है कि इनमें से गलत कथन कौन सा, तो ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा। ओके चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही पीएम जनमन योजना किससे संबंधित, ऑप्शन है विकलांग को सहायक उपकरण वितरित करना, बी किसानों को आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना, सी ग्रामीण समुदायों को आर्थिक समावेशन, एंटी कमजोर जनजातीय समूहों के उदय से। ठीक है, तो किससे संबंधित है ये फिलहाल बताना है, तो डी ऑप्शन है कमजोर जनजातीय समूहों के उदय से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2023 में दूसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किया, ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रो, बी नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन सी जिनपिंग, एन डी जो बाइडेन या जो बिडेन। ठीक है, आंसर की बात करेंगे यहाँ पर। देखो तो 101 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। भारत ने हाल ही में वर्चुअल तरीके से आयोजित अपने दूसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का समापन किया है, तो कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में अच्छे से दी गई हैं, उनको आप यहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के संदर्भ में निम्नलिखित कदम पर विचार करें, यह आपका ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट हाल ही में इसकी तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित की गई थी, सेकंड इसे वर्ष 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य साझेदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया, उपरोक्त कथनों में से कौन सा से गलत है, अब यहाँ पर गलत बताना है। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन, डी कह रहे हैं ना तो पहला ना ही दूसरा, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चित हौती विद्रोही या हौती विद्रोही किस देश से संबंधित है, ए यूक्रेन, बी यमन, सी फिलिस्तीन, एन डी सीरिया। अब ये इतना करंट में रहा, आपको अच्छे से याद ही होगा यमन। ठीक है, क्यों है तो वो सब चीज़ें वहाँ से देख लेना। हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात मिचौंग का नाम किस देश ने रखा, ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी मालदीव, एन डी भारत। तो आपको पता है कि ये जो चक्रवात आते हैं इनके नाम देश लोग जो देश होते हैं डिसाइड करते हैं ना, तो इसमें इन्होंने म्यांमार ने डिसाइड किया इसका नाम। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और इसका नाम क्या रखा, स्टैचू, ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बी एकता की प्रतिमा, सी शक्ति की प्रतिमा, एन डी समानता की प्रतिमा, है ना। तो देखो कई सारी प्रतिमाएं का अनावरण होता है, उनके नाम भी रखे जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एकता की प्रतिमा। कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के निम्नलिखित में से किस गीत को हाल ही में पश्चिम बंगाल का राज्य गीत घोषित किया गया, ऑप्शन है बांग्लार माटी बंगलार जोर, बी अमर सोनार बांग्ला, सी वंदे मातरम, एन डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा बांग्लार माटी बांग्लार जोल। ओके अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये बांग्लार माटी बांग्लार जोल मतलब क्या होता है, तो मतलब वहाँ पीडीएफ में दिया गया है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी, चीज़ें समझ में आएगी। ऑप्शन ए और मतलब क्वेश्चन नेक्स्ट, मिशन गगनयान के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गगनयान परियोजना में डैश सदस्यों के दल को डैश दिन के लिए मिशन के लिए 400 किलोमीटर के कक्षा में प्रक्षेपित करके तथा उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है, इस संदर्भ में रिक्त स्थान भरें, ऑप्शन है 3-3, बी 2-4, सी 4-4, एन डी 5-2। देखो तो आंसर की बात करें तो गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के दल को 3 दिन के मिशन के लिए, है ना, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर कह रहे हैं, 107 का 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य, देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसे निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ये जन आरोग्य की बात हो रही है ना, ऑप्शन है 2016, 2018, सी 2019, एन डी 2020। आंसर की बात करें तो बी कह रहे हैं आपका 2018। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है, तमिलनाडु ने हाल ही में कलैगनार मंगलिर उरीमाई थोगई योजना शुरू की है, यह योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित, ऑप्शन है महिलाओं के मूल आय, बी ग्रामीण आजीविका मिशन, सी स्वच्छता अभियान, एन डी पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा। आंसर की बात करें तो महिलाओं के मूल आय से संबंधित है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, कर्नाटक के अगुम्बे वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चिन्हित करें। देखो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसे दक्षिण भारत के का चेरापूंजी कहा जाता है, बी यह कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है, सी यह किंग कोबरा का विश्व का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, एन डी यह मध्य पश्चिमी घाट में 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो क्या, तो कर्नाटक के अगुम्बे वन के संबंध में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट करंट में था, तो डी ऑप्शन है कि यह मध्य पश्चिमी घाट में 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर
सॉरी गलत पूछ रहे थे, तो गलत यहाँ पर ऑप्शन डी है, क्योंकि यह 8000 मिलीमीटर से अगुम्बे वर्षावन कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित है। यह मध्य पश्चिमी कह रहे हैं पश्चिमी घाट में स्थित एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है और यह अपनी भारी वर्षा के लिए जाना जाता है जो प्रतिवर्ष 8000 मिलीमीटर से अधिक हो सकती है, इसलिए इसे दक्षिण का चेरा पूंजी कहा जाता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई का कोड नाम है, जिसका उद्देश्य रियासत को नए स्वतंत्र भारत में एकीकृत करना था। इस संदर्भ में रिक्त स्थान भरें जिसका उद्देश्य, ये डैश है, ऑप्शन है, वैसे सिंपल है, हर किसी को इसका आंसर पता ही होगा, हैदराबाद। आपको पता है हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, है ना। नेक्स्ट, कि भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम था, यह एक संस्कृत वाक्यांश जो निम्नलिखित में से किस हिंदू ग्रंथ में पाया जाता है। ऑप्शन ए महा उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी तैतरीय उपनिषद, एंड डी छांदों के उपनिषद। बहुत मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए महा उपनिषद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेकंड, इसे भारत सरकार द्वारा 2014 में पेश किया गया था। थर्ड, यह दिवस एमएन रॉय के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा से सही है। अब ये चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप देख लेना। आंसर की बात करें तो कह रहे हो ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, थर्ड आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अल अक्सा मस्जिद, गोलान हाइट्स और बालफोर घोषणा पत्र हाल ही में खबरों में रहे हैं, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित। ऑप्शन ए इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष, बी रूस यूक्रेन संघर्ष, सी नागोर्नो करबाख संघर्ष, एंड डी सऊदी अरब ईरान संघर्ष। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हो जाएगा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी नामक एक आदिवासी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन है तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, एंड डी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पर तेलंगाना, और चीज़ें दी गई फैक्ट अच्छे से उसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद मोइज्जू ने मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया, उन्होंने किस वर्ष वर्तमान राष्ट्रपति को हराया। तो ऑप्शन ए अहमद महलूफ, बी इब्राहिम मोहम्मद सोली, सी अहमद जहीर, एंड डी इसाद सिहाम। आंसर की बात करेंगे यहाँ पर तो बी ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम मोहम्मद सोली को। देखिए नेक्स्ट है, 6G वायरलेस संचार के लिए छठी पीढ़ी की तकनीक के भविष्य के तकनीकी मानक के लिए पदनाम है। नोकिया ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में भविष्य की दूरसंचार तकनीकों का नेतृत्व करने के लिए 6G लैब का उद्घाटन किया। ऑप्शन है भोपाल, बी बेंगलुरु, सी पुणे, एंड डी मदुरई। तो देख लेते हैं आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा। देखो ऐसी जो काम होंगे या तो पुणे में या बेंगलुरु में, ज़्यादा चांसेस है कि बेंगलुरु में और पुणे में। लास्ट आपका ये आ जाएगा मदुरई। भोपाल में कुछ कुछ चीज़ें हैं, पर ये सब चीज़ें जो 6G हैं, इनका परीक्षण है, तो ये आपका गेस वर्क काम कर सकता है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि हानि एवं क्षति को उसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों के लिए के प्रति अत्याधुनिक संवेदनशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हानि एवं क्षति कोष की स्थापना कहाँ की गई थी। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, यूके के ग्लासगो में COP26 2021, मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 2020, सी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 2023 में COP28, या डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आंसर की बात करें 118 नंबर क्वेश्चन, तो बी कह रहे हैं आपका मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 37वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, वे राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, बिहार के शशि भूषण ने 1500 मीटर में रजत पदक जीता। सेकंड, यह राष्ट्रीय खेलों में बिहार का दूसरा रजत पदक है। तो उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है। 119 नंबर क्वेश्चन में हम लोग हैं, सी ऑप्शन कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सही है। नेक्स्ट है कि पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने निम्नलिखित में से कुल कितने पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। तो ऑप्शन आपके चार दिए गए हैं। आंसर की बात करें 101 पदक फिलहाल इन्होंने बोला, 111, 91 पदक, एंड डी 121 पदक। आंसर की बात करें यहाँ पर तो एशियाई पैरा मतलब होता है जो आपके दिव्यांग लोग होते हैं ये जो खेलने जाते हैं, इसको इससे भी याद रख लेना कि एशियाई पैरा खेल एशियाई पैरा ओलंपिक समिति द्वारा विनियमित एक बहु खेल आयोजन है, ये तो नॉर्मल हो गई। आंसर की बात करें तो कह रहे बी ऑप्शन, यानी कि 111। अब देखो कोई व्यक्ति चांस का मतलब कहते हैं नहीं है कि वो उसको अगर चांस मिले तो वो कुछ भी कर सकता है, ये दिव्यांग लोग हैं और कितने लोगों ने मिलकर 111 पदक जीत लिए है ना, तो सोचो कि उन्हें अगर मौका मिले तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप भी अगर आपको चांस मिलता है तो आप मेहनत करिए, रिजल्ट की चिंता ना करिए, रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा।
नेक्स्ट है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अर्थ अवार्ड 2023 संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, सी कंजर्वेशन इंटरनेशनल, एंड डी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ये सारी एजेंसियों के बारे में आप डीप में इनका अच्छे से मतलब इनकी तैयारी रखिए, इनसे भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी, चाहे यूपीपीसीएस। आंसर की बात करें तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि रिलायंस जियो ने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा का प्रदर्शन किया। गीगाबिट इंटरनेट सेवा कितने गीगाबिट तक डेटा संचरित करती है? ऑप्शन ए 10 गीगाबिट प्रति सेकंड, बी 100 गीगाबिट प्रति सेकंड, सी 1000 एमबीपीएस, या डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा आपका 1000 एमबीपीएस। ठीक है, 1000 एमबीपीएस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहना है इनका कि बस्तर के दीनानाथ राजपूत ने रोहिणी नायर पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए समर्पित है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास, बी महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल, सी हरित कृषि पद्धति, एंड डी स्वच्छता अभियान। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ग्रामीण विकास। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है और क्रिकेटर को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या डी HDFC बैंक। आंसर की अगर यहाँ पर बात की जाए, देखो तो देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका SBI, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडलीय ओजोन को लगभग 1-5% तक नुकसान हो सकता है। हुंगा टोंगा, हुंगा हाईपाई ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण भी ऐसी ही घटनाएं देखी गई। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी प्रशांत महासागर, बी दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर, सी दक्षिणी प्रशांत महासागर, या डी पश्चिमी अटलांटिक महासागर। तो ये चर्चा में रहा है, हम सब ने देखा है, मतलब नहीं कोई याद रख पाता तो हुंगा टोंगा से ही याद रख लेता है। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन है दक्षिणी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया। नैनो DAP संयंत्र मिट्टी को निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, बी अमोनिया और सल्फर, सी नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, या डी कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो DAP की बात हो रही है, DAP किसान बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं, इवन मेरे भी घर में DAP आती थी, हम लोग खूब उसको मतलब पहले सोचते थे क्या है, तो उसको फैलाने में खूब मज़ा आता था, थोड़ा छोटी थी तब की बात है, तो DAP को तो हम बचपन से देख रहे हैं। आंसर की बात करें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, लेकिन ये याद है कि नहीं कि उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता था कि नहीं, तो वैसे ही मुझे नहीं याद होता, पर मैं DAP के जो प्रिंट होती थी बोरियाँ पहले प्लास्टिक के, उसमें लिखा रहता था। अभी कैसी आती याद नहीं है मुझे, क्योंकि 1-2 साल से मैंने नहीं ध्यान दिया, पर पहले तो मैं याद रखती थी कि मतलब पढ़ लेती थी ऐसे ही, उसका वजन पढ़ लेती थी, तो उससे याद रहता कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ऑपरेशन सेस निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन ए बैंक ऋण निपटान, बी दावा ने किए गए जमा की खोज करें, सी लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना, एंड डी सेल कंपनियों की खोज करें। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट बिहार की हालिया जाति जनगणना 3 से अधिक चरणों में आयोजित की गई थी। सेकंड अंतिम जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। थर्ड 2011 की जाति जनगणना में जाति आधारित आंकड़े एकत्र नहीं किए गए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? अब ये देखो बिहार स्पेशल हो सकता है, BPSC स्पेशल है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये सारे फैक्ट उसी के विषय में बात कर रहे हैं। आंसर की बात करें तो सी यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल सेकंड सही बात मतलब सही क्वेश्चन बताना है। तो अंतिम जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी, तो आपका ये बिहार स्पेशल हो गया। बिहार की हाली जाति जनगणना 3 से अधिक चरणों में आयोजित की गई, तो ये कह रहे हैं कि बिहार की हाली जाति जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई, तो इसलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट गलत है। थर्ड कह रहे हैं कि आखिरी जाति जनगणना तो पता ही है, जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए गए लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किए गए। 2011 में जाति जनगणना हुई थी लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करें। बिहार की हालिया जाति जनगणना के अनुसार सामान्य वर्ग की जनसंख्या 16% से भी कम है, बी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तुलना में अनुसूचित जाति कम है, सी कह रहे हैं कि अत्यंत पिछड़े वर्गों की तुलना पिछड़े वर्गों की संख्या अधिक है, एंड डी बौद्ध जैन ईसाई और सिख जनसंख्या का प्रतिशत 1% से भी कम है। तो अब इनमें से गलत कथन बताना है 129 में, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि गलत है, ठीक है। अत्यंत पिछड़े वर्गों की तुलना में पिछड़े वर्गों की संख्या इन्होंने अधिक बताई है, तो यहाँ पर देखो इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारा मतलब डीप से दिया गया है, आपके बहुत सारे फैक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, जो करे गलत कथन की पहचान करे तो सी हो गया, बाकी चीज़ें आप अच्छे से देख लेना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कचरे के बदले नगद योजना शुरू की गई। ऑप्शन ए पटना, बी जमुई, सी रोहतास, एंड डी सीतामढ़ी। आंसर की बात करें तो ये आपका पटना में शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान का पांचवा बाघ अभ्यारण्य तथा भारत का डैश बाघ अभ्यारण्य है। इस संदर्भ में रिक्त स्थान भरे। ऑप्शन ए 52वें, बी 53वें, सी 54वें या डी 55वें। तो नेक्स्ट मतलब आंसर की बात करें तो ये आपका 54वें स्थान पर है। भारत का जो बाघ अभ्यारण है ये 54वें स्थान पर आएगा। सॉरी, जो धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण राजस्थान का पांचवा बना है वो भारत के संदर्भ में आपका 54वें स्थान पर आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई परियोजना नमन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करना। ऑप्शन ए ईरान और सीरिया में बचाव अभियान, बी इजराइल में मानवीय सहायता, सी सूडान और नाइजर में शांति स्थापना, एंड डी दिग्गजों और शहीदों के परिजनों का कल्याण। आंसर की बात करें 132, तो डी ऑप्शन कह रहे हैं कि दिग्गजों और शहीदों के परिजनों का कल्याण, ये आपका नमन से संबंधित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में चंद्रमा मिशन है और ये आपके अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन ए स्लिम, बी है लूना 25, सी कैपस्टोन एंड डी चांग ई 6। तो नॉर्मली इनको कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। अगर बात करें यहाँ पर स्लिम तो ये आपका जापान एरोस्पेस हो जाएगा, लूना 25 तो ये आपका रॉसकॉस मॉस हो जाएगा, क्योंकि इसको तो आपने सुना ही होगा जो 6 सितंबर 2023 को मतलब ये भेजा गया था, है ना। तो जब अगर इसका आप मिलान करते हो यहाँ से तो सी ऑप्शन आपका सही होता है, A3, B2, C4 एंड T1। अब देखो ये हो जाएगा CNS, ठीक है, ये हो जाएगा आपका जाक्सा बी आपका हो जाता है रॉसकॉसमॉस तो नॉर्मली है, और स्लिम आपका ये हो जाएगा नासा, ठीक है, नासा जॉक्सा में कन्फ्यूज मत होना। एक जापान की है और एक आप कहाँ की है, नासा मतलब बहुत फेमस है, उसको तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ए 16वां G20, बी 17वां G20, सी 18वां G20 या डी 20वां G20। तो बात करें अगर यहाँ पर तो 2023 G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन G20 ग्रुप ऑफ 20 की 18वीं बैठक थी, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 18वां, बैठक 18वीं थी 2023 में, नाम इसका G20 है तो कन्फ्यूज मत होना, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का प्राप्त करता है। ऑप्शन ए मेजर राधिका सेन, बी मेजर सुमन गवानी, सी मेजर अद्वैत कार्तिक या डी मेजर किरण चंद। आंसर की बात करें 135 नंबर तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मेजर राधिका सेन। नेक्स्ट है कि फीफा शब्द का विस्तारित रूप क्या है जो फुटबॉल क्षेत्र में व्यापक रूप से चर्चा में। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सक्षम महासंघ एसोसिएशन, बी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, सी यूरोपीय देशों का फुटबॉल महासंघ या डी यूरोपीय फुटबॉल संघ का महासंघ। अब ये आ सकता है क्वेश्चन, बहुत नॉर्मली है, तो बी हो जाएगा आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे कि अक्सर समाचारों में आने वाला टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित। ऑप्शन है आपदा रोधी संरचना गठबंधन, बी एशियाई विकास बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एंड डी अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। नेक्स्ट है, लगभग एक दशक के बाद सफ़ेद सांभर हिरन निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में पाया गया। ऑप्शन ए कावेरी वन्यजीव अभ्यारण कर्नाटक, बी गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण गुजरात, सी गोविंद वन्यजीव अभ्यारण उत्तराखंड, एंड डी भरतपुर पक्षी अभ्यारण राजस्थान। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके आप अपना टिक दीजिए, देखिए आप अपना आंसर कि आप जो बता रहे वो आंसर सही है कि नहीं। ऑप्शन की बात करेंगे तो ए हो जाएगा कावेरी वन्यजीव अभ्यारण कर्नाटक में। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट बांस के पौधे को हरा सोना भी कहा जाता है। सेकंड वर्तमान में बांस को ऐसे वृक्ष की श्रेणी में रखा गया जिसे काटना या परिवहन करना प्रतिबंधित है। थर्ड विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। अब उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, ये कथन दिए गए हैं और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें चर्चा में रहती हैं। तो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट और थर्ड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका यहाँ पर सही है, सेकेंड आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि गलत है। नेक्स्ट, चक्रवात तेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से हुई, इस चक्रवात का नाम ईरान ने रखा है। तो उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है ये बताना है। आंसर की बात करें तो डी कह रहे हैं, ना तो पहला ना ही दूसरा। देखो चक्रवात एक बड़े पैमाने पर वायु द्रव्यमान है जो कम वायुमंडलीय दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है। चक्रवातों की विशेषता उनकी घूमती हुई हवाएं हैं जो उत्तरी गोलार्ध में वामार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलती है। बात करें तो इसका नाम भारत द्वारा रखा गया, इसलिए कथन सेकंड भी आपका गलत है और फर्स्ट तो आपका गलत ही है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर सर्वाइकल कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर गर्भाशय के निचले भाग में विकसित होता है और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है ये बताना है। आंसर की बात करें तो कह रहे सी ऑप्शन सत्य, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है कि एशियाई खेल 2023 में सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कांस्य पदक जीता। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, भारोत्तोलन हो गया, साइकिल चलाना हो गया, टेबल टेनिस या स्क्वैश में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो फिलहाल सी ऑप्शन कह रहे हैं कि टेबल टेनिस में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, मलेरिया एक मच्छरजनित रोग जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। सेकंड, भारत ने मलेरिया उन्मूलन के लिए निक्षय पोषण योजना शुरू की है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो आपका ऑप्शन ए केवल यहाँ पर सही है, सेकंड आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया जो अधिकांश हैरी पॉटर फिल्मों में एल्बस डंबलडोर का किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन ए माइकल गैम्बोन, बी रूपर्ट ग्रिंट, सी टॉम फेल्टन या डी अल्फ्रेड एनोच। तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, माइकल गैम्बोन। नेक्स्ट है कि संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत देश भर में कितने स्थलों की पहचान की है। ऑप्शन ए 420, बी 449, सी 470 या डी 520। तो यहाँ पर फिलहाल आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि 449 यानी 449। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने आर्थिक कूटनीति और क्षेत्रीय एकीकरण कौशल के लिए किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। ऑप्शन है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, बी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कह रहे हैं तंजानिया की पहली राष्ट्रपति, सी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो ये भी चर्चा में था, अगर करंट अफेयर आप फॉलो करते हैं तो बी हो जाएगा, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में केरल में उद्घाटन किया गया अमेज 28 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ऑप्शन है पहले 3D मुद्रित इमारत, बी बहुपक्षवाद के लिए कार्यक्रम, सी जैव विविधता ज्ञान केंद्र एंड डी भारत का पहला AI स्कूल। आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, पहली 3D मुद्रित इमारत। ठीक है, नेक्स्ट है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद पहली बार निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, सी ओमान एंड डी किर्गिस्तान। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, किर्गिस्तान की उन्होंने यात्रा की। नेक्स्ट है कि वह योजना जिसे ई गवर्नेंस 2023 गोल्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये आपकी चार योजनाएं दी हैं। आंसर की बात करेंगे तो ए हो जाएगा आपका, पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, एंड इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि गूगल द्वारा लॉन्च किया गया नया प्रोग्राम डीजी कवच निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन है ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटना, बी सुरक्षित व्यक्तिगत दस्तावेज, सी न्यायपालिका में कागजी फाइलों के लिए डिजिटल समाधान, एंटी तेज और सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी। ये BPSC का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड पेपर देखेंगे तो उसमें शायद हिस्ट्री वगैरह है। तो देखो उत्तराखंड टेस्ट तो जिनको देना था उन्होंने तो प्रीलिम्स दे लिया है ना, मतलब उनका हो गया कंप्लीट, अब वो अपना आगे की प्रोसेस देखेंगे। अब आपका BPSC और UPPCS और प्लस समीक्षा अधिकारी बचता है, तो अब आप जिनको भी इसमें इन्वॉल्व होना है तो वो अपना इसकी तैयारी शुरू करें अच्छे से, मतलब तैयारी पहले से कर ही रहे होंगे लेकिन अब आगे भी एक दो महीने बाद प्रीलिम्स फोकस हो जाएं और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।